हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी और उसमें स्पेशल स्टेनिस को पढ़ रहे हैं। पिछला जो हमारा वीडियो था वो था किसके बारे में, वांजिशन मेथड स्टेनिंग था, वो कोलेजन फाइबर्स इलास्टिक फाइबर्स के लिए, स्मूथ मसल्स के लिए कर रहे थे। अब हमारा जो ये जो लेक्चर है वो है गोमरोज मेथड फॉर रेटिकुलम। तो रेटिकुलम के लिए हम गोमरोज मेथड किस प्रकार से स्टेनिंग का काम लेते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल के बारे में। तो इसमें प्रिंसिपल क्या है इसका, इन द कनेक्टिव टिश्यू रेटिकुलिन अपीयर्स ए फिब्रिली एक्स्ट्रा सेलुलर फिम्बर। ठीक है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें रेटिकुलिन कैसी अपीयर होती है, फिब्रिली फाइबर की जैसी। ठीक है, वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फेम्बर के रूप में। रेटिकुलर फाइबर है लो नेचुरल एफिनिटी फॉर सिल्वर साल। तो ये क्या है, रेटिकुलर फाइबर्स जो होते हैं वो लो नेचुरल एफिनिटी रखते हैं सिल्वर साल के लिए एंड रिक्वायर प्री ट्रीटमेंट विद हैवी मेटल सोल्यूशन लाइक फर्नेक अमोनियम सल्फेट टू एनहांस द सेलेक्टिवली फॉर इम्प्रेगनेशन। सिल्वर इन एल्कलाइन सोल्यूशन इज इन स्टेट रेडली एबल टू प्रेसिपिटेट एज मेटालिक सिल्वर। तो आपको क्या है, इससे प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा क्योंकि इनका जो है सिल्वर साल्ट्स के साथ में इनकी एफिनिटी कम होती है, इसलिए इनको प्री ट्रीटमेंट हैवी मेटल्स के साथ में दिया जाएगा। जैसे कि फर्निक अमोनियम सल्फेट जो होता है वो कम लिया जाता है वो इम्प्रेगनेशन को सेलेक्टिवली एनहांस करने के लिए। इसी प्रकार से सिल्वर जो होता है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन में लिया जाता है वो प्रेसिपिटेट के लिए, मेटल किसको, मेटलिक सिल्वर को प्रेसिपिटेशन के लिए। तो ये दोनों अलग अलग चीज के लिए काम में लिए जा रहे हैं। फर्निक अमोनियम सल्फेट किसके लिए काम में लिया जा रहा है और सिल्वर जो है एल्कलाइन सॉल्यूशन वो किसके लिए लिया जा रहा है, तो प्रेसिपिटेशन मेटलिक सिल्वर के लिए और ये एनहांस सेलेक्टिवली इम्प्रेगनेशन के लिए। आगे बात समझ में, तो ये बात है। आगे हम करते हैं अपॉन ट्रीटमेंट विद रिड्यूसिंग एजेंट। जब रिड्यूसिंग एजेंट हम लेते हैं, सिल्वर टेकन अप बाय द टिश्यू इन अनरिड्यूस्ड फॉर्म इज कन्वर्टेड टू मेटालिक सिल्वर विच इज डिपोजिटेड एट द सेंसिटाइज्ड साइट। तो ये क्या है, हमने उसको प्रेसिपिटेट कर लिया है, जहां सेंसिटाइज साइट होती है वहां पर हमने मेटालिक सिल्वर जो होती है उसको प्रेसिपिटेट कर लिया है। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है। ये प्रिंसिपल हमने आपसे बात की प्रिंसिपल के बारे में, ये गोमरोज मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिएजेंट्स के बारे में। तो रिएजेंट्स पहला है अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन 2 10 ml ऑफ 10% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एड 2.5 ml ऑफ 10% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एड 28% अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप while shaking the container continuously until the precipitate in completely dissolve। तो क्या है, आपको 10 ml जो है वो 10% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है लेना है, उसमें आपको 2.5 ml 10% एक्वा सॉल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का डालना है। इसी प्रकार से आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप 28% अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है, फिर उसको शेक करना है जब तक कि उसमें प्रेसिपिटेट जो है वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो जाए। अब क्या करना है, आपको फिर से 4 ड्रॉप जो है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के डालने हैं, कितने में, हर 10 ml में, जो कि सिल्वर नाइट्रेट के यूज किया जा रहा है। मेक द सॉल्यूशन विल डिस्टिल वाटर टू ट्वाइस इट्स वॉल्यूम, यूज एसिड क्लीन ग्लास बियर। तो आपको क्या है, ये सॉल्यूशन बनाना है डिस्टिल वाटर के साथ में। ठीक है, अब ये तो हो गया है अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन। अब आगे हम बात करते हैं 0.5% पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसमें इसको बनाते हैं, पहले पोटेशियम परमैंगनेट 0.5 ग्राम लेंगे और डिस्टिल वाटर 100 ml लेंगे। तीसरा जो है 2% पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, तो इसमें क्या है, डिस्टिल वाटर में 2 ग्राम को डाल देना है। अगला है 2% फेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें 2 ग्राम लेना है और डिस्टिल वाटर 100 ml में डाल देना है 2% बनाने के लिए। 20% फॉर्मेशन सॉल्यूशन, फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे 20 ml और डिस्टिल वाटर लेंगे 80 ml। ये सॉल्यूशंस, ये जो हम रिएजेंट्स हैं
ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ते हैं तो ये आपको याद हो जाएंगे। अगला है 0.2% गोल्ड क्लोराइड सॉल्यूशन, तो 1% 10 ml और डिस्टिल वाटर जो है वो 40 ml, ठीक है। 2% सोडियम थायसल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम थायसल्फेट 2 ग्राम और डिस्टिल वाटर 100 ml। तो ये आपको 7 रिएजेंट्स बना करके तैयार रखने। फिर हम बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर इस प्रकार से है कि आपको डीपेयर अपनाइज करना है और हाइड्रेट करना है डिस्टिल वाटर के साथ में। पिछला जो हमारा स्टेन वांजिसिन था उसको हमने जाइलिन से कर दिया था, अब यहाँ पर हम डिस्टिल वाटर से ही हाइड्रेट करेंगे, डिस्टिल वाटर से ही टी पैराफिनाइज करेंगे। फिर इसको ऑक्सीडाइज करना है किसके साथ में, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के लिए 1 मिनट के लिए। फिर इसको टैप वाटर में रिंस करना है 2 मिनट्स के लिए। डिफ्रेंशिएशन करना है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट सॉल्यूशन से 1 मिनट के लिए। फिर उसको टैप वाटर में 2 मिनट्स करना है, सॉल्यूशन में 1 मिनट रखना है और टैप वाटर में 2 मिनट रखना है। सेंसिटाइज करना है फिर उसको फेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन से 1 मिनट के लिए। और वाश इन टैप वाटर फॉर 2 मिनट्स फॉलो विद 2 चेंजेस ऑफ डिस्टिल वाटर 30 सेकेंड ईच। तो इसमें 2 चेंजेस डिस्टिल वाटर के भी दिए जा रहे हैं टैप वाटर में 2 मिनट तक रखने के बाद में, ठीक है। इम्प्रिग्नेट इन द सिल्वर सॉल्यूशन फॉर 1 मिनट और रिंस इन डिस्टिल वाटर फॉर 20 सेकेंड। रिड्यूस इन फॉर्मूले सॉल्यूशन फॉर 3 मिनट्स, वाश इन टैप वाटर फॉर 3 मिनट, टर्न इन गोल्ड क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर 10 मिनट्स और फिर इसको रिंस करना है डिस्टिल वाटर में। रिड्यूस इन पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 1 मिनट और फिक्स इन सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन फॉर 1 मिनट, वाश इन टैप वाटर फॉर 2 मिनट्स। डिहाइड्रेशन करना है 95% एल्कोहल से एब्सोल्यूट एल्कोहल और फिर क्लियरिंग करनी है जाइलिन के 2 चेंजेस से और माउंटिंग करनी है डीपीएक्स के साथ में। देखिए इसको थोड़ा सा अगर आप रिएजेंट 7 रिएजेंट्स को अगर आप याद रख लेंगे तो उसमें आप इतना ही ध्यान रखें कि जो रिएजेंट्स है वो करीब करीब सारी प्रोसीजर में 1 मिनट के लिए लिया जा रहा है और 2 मिनट्स के लिए आपको क्या रखा जा रहा है टैप वाटर में। लेकिन 1-2 स्टेप्स ऐसी जहाँ पर डिस्टिल वाटर भी लिया जा रहा है, कब, फेरिक अमोनियम सल्फेट के बाद में, वहाँ पर आपको 2 मिनट के बाद में 2 चेंजेस डिस्टिल वाटर के देने हैं और इम्प्रेगनेशन के बाद में आपको डिस्टिल वाटर का 20 सेकेंड का चेंज देना है, ठीक है। तो ये हमने बात की आपसे प्रोसीजर जो है वो किस प्रकार से, कुछ नहीं करना है, स्लाइड को डालते जाना है, टाइम लगाना है, डालते जाना है, टाइम लगाना है, ठीक है, और धोते जाना है। तो ये प्रोसीजर था किसके बारे में, जो गोमरुज का जो स्टेनिंग मेथड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रोसीजर याद रख लिया है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो इसके रिजल्ट्स हैं वो किस प्रकार से हैं। रिजल्ट्स में अगर बात करेंगे तो रेटिकुलम फाइबर्स आपको ब्लैक दिखेंगे और बैकग्राउंड है वो ग्रे दिखेगा। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दिस टाइप ऑफ स्टेनिंग यूज फॉर ट्यूमर्स ऑफ अनसर्टेन ओरिजिन। तो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ऐसे ओरिजिन का हमको पता लगाने के लिए ट्यूमर्स का हम ऐसी स्टेन करते हैं। द पैटर्न ऑफ डिपोजिशन ऑफ रेटिकुलम इन ए ट्यूमर इज करेक्टराइज्ड टू आइडेंटिफाई द ओरिजिन ऑफ। तो जहाँ पर जिस पैटर्न में ये इसका डिपोजिशन होता है रेटिकुलम का, वहीं से इसका ओरिजिन होता है। माइल्ड डिग्री ऑफ फाइब्रोसिस इन ऑर्गन्स कैन आल्सो बी रिकॉग्नाइज बाय रेटिकुलम स्टेन, स्पेशली इन लीवर टू एक्सेस सिरोसिस। तो अगर सिरोसिस का अगर आपको वर्ड आ जाए, लीवर का आ जाए, तो फाइब्रोसिस का वर्ड आ जाए, तीनों वर्ड अगर आपको आ जाते हैं तो आप रेटिकुलम स्टेन का नाम ले सकते हैं, किसकी, गोमरुज की। तो स्टूडेंट्स हमने आपसे पूरी जो गोमरुज मेथड था और रेटिकुलम के लिए उसके बारे में हमने बात की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगला जो वीडियो है हम उसमें बात करेंगे मैकमेनस की जो स्टेन है वो ग्लाइकोजन के लिए, जिसका हम नाम दे रहे हैं पास स्टेनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेन है ये आपकी, ये आती है, इसमें क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।